Brought to you by Techno Spark 20 series smartphones. I'm superhuman. राजस्थान में मैं गारंटी साहब कह देता हूँ, 8 सीट तो इंडिया गठबंधन की एकदम क्लियर है, 6 सीट बीजेपी की क्लियर है और 11 सीटों पर कंपटीशन है। अब देख सकते हो कि ज्यादा किसकी आएगी। 8 सीट में गिना सकता हूँ, भरतपुर हम जीत रहे हैं, दौसा हम जीत रहे हैं, जयपुर ग्रामीण हम जीत रहे हैं, सीकर हम जीत रहे हैं, झुंझुनू हम जीत रहे हैं, चूरू हम जीत रहे हैं, टोंक सवाई माधोपुर हम जीत रहे हैं, डुमरू बांसवाड़ा हम जीत रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपनी तरफ से लकी मान लिया, क्यों ऐसा क्यों लगा कि आपको प्रधानमंत्री आपकी तरफ लकी है? लकी मैं इसलिए मैंने बोला था, 2018 प्रधानमंत्री दौसा में आए थे मेरे चुनाव में, जनता मोदी का 1% भी इफेक्ट नहीं होता जनता के ऊपर। जब 18 में आया फिर मैं 51,000 वोट से जीता था और जब 2023 में मोदी जी नहीं आए तो मैं 32,000 जीता, मेरे वोट 17,000 कम हो गए। और दोबारा लोकसभा चुनाव मोदी जी आए थे, आपने देखा होगा कि मोदी जी जैसे आए तो उल्टे मेरे वोट बढ़े। मोदी जी के आने से जनता में नाराजगी पैदा हुई, लोगों में जो मोदी जी के झूठे वादे थे वो जनता को याद आए, इस कारण जनता ने ज्यादा हमारे पक्ष में मतदान किया। मौजूद हैं दौसा से कांग्रेस के प्रत्याशी भरलाल मीणा और विधायक भी हैं यहाँ से। सीधी बात करेंगे सर, राजस्थान में गर्मी का पारा लगातार चढ़ रहा है लेकिन राजनीतिक गलियारों में भी राजनीतिक पारा लगातार चढ़ रहा है, किस तरह के देखते हैं? 2 चरण हो गए हैं राजस्थान में। देखो राजस्थान में 2 चरण हो गए, पूरे देश के अंदर 3 चरण हो गए, कल 3रा चरण था। मैं समझता हूँ पूरे देश में इस बार जिस तरह का मतदाताओं का रुझान है बीजेपी के खिलाफ है और हमारे इंडिया गठबंधन की तरफ जनता का झुकाव है, इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी, राजस्थान में आधी से ज्यादा सीट इंडिया गठबंधन हम जीतेंगे। लेकिन सर बयानबाजी को अगर एक तरफ देखा जाए तो अबकी बार आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपनी तरफ से लकी मान लिया, क्यों ऐसा क्यों लगा कि आपको प्रधानमंत्री आपकी तरफ लकी है? लकी मैं इसलिए मैंने बोला था, 2018 प्रधानमंत्री दौसा में आए थे मेरे चुनाव में, जनता मोदी का 1% भी इफेक्ट नहीं होता जनता के ऊपर, जनता मोदी जी की झूठ को, मोदी जी के असत्य को, मोदी जी के पाखंड को समझ चुकी है। जब 18 में आया फिर मैं 51,000 वोट से जीता था और जब 2023 में मोदी जी नहीं आए तो मैं 32,000 जीता, मेरे वोट 17,000 कम हो गए। और दोबारा लोकसभा चुनाव मोदी जी आए थे, आपने देखा होगा कि मोदी जी जैसे आए तो उल्टे मेरे वोट बढ़े। मोदी जी के आने से जनता में नाराजगी पैदा हुई, लोगों में जो मोदी जी के झूठे वादे थे वो जनता को याद आए, इस कारण जनता ने ज्यादा हमारे पक्ष में मतदान किया। इसलिए मैंने कहा कि जहां मोदी जी मेरे क्षेत्र में आते तो मेरे वोट बढ़ते हैं। कॉन्फिडेंस की बात करें तो बीजेपी का जो प्रत्याशी थे कन्हैया लाल जी वो अभी तक दिखाई नहीं दिए, एक बार मेरी बात हुई थी वो कहीं बिजी थे, उसके बाद में लगातार मुझसे इंटरव्यू में 2 बार कह चुके मेरा साइन करवा लो, लेकिन बीजेपी का कॉन्फिडेंस लूज है और आपका कॉन्फिडेंस हाई का मतलब क्यों है, इतना लेवल क्यों है हाई? ऐसा देखो हमको राजनीति करते 30-40 साल हो गई, हम विधायक भी हैं और पूरी जनता की भावना इस लोकसभा क्षेत्र की कांग्रेस के प्रति थी और लोगों ने अच्छा कांग्रेस के पक्ष में मतदान किया। हम 8ों विधानसभाओं से ही चुनाव कांग्रेस जीत रही है, इसलिए मैं समझता हूँ कि बीजेपी को पता है इस बात का कि कांग्रेस दौसा के अंदर जीत रही है, इसलिए उनका कॉन्फिडेंस लोअर हो गया होगा। वो तो कह रहे हैं कंपटीशन हुआ है तो हमारे पक्ष में हुआ है। बीजेपी तो झूठ का खजाना है, वो कुछ भी बोलते रहते हैं, लेकिन अब तक जितनी भी उन्होंने झूठ बोली 14 से लेकर अब तक जनता सब समझ चुकी, जनता बीजेपी के किसी नेता की बात पर विश्वास नहीं करती। जनता ये जानते हैं कि बीजेपी वाले 100% झूठ बोलते हैं, वो सत्य पे टिकते ही नहीं है। कॉन्फिडेंस का एक कारण ये भी है कि सचिन पायलट लगातार कह रहे थे पूरे चुनाव में कि आपकी पसंद चुनाव लड़ती है, हार जाती है, फिर आप चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसा ये देखो ये तो क्या है कि जनता का हमारे प्रति प्यार है, वो तो पायलट साहब ने कहा था कि जब मेरी पत्नी पहले चुनाव लड़ी थी MLA का, बाद में लड़ा मैं जीत गया, पिछली बार MP का चुनाव लड़ी थी फिर इसलिए कहा था कि जनता का ज्यादा झुकाव था फिर मैं जीतूंगा, तो कॉन्फिडेंस के कारण ही जनता है, जनता का झुकाव था हमारे तरफ। ऑल ओवर राजस्थान की बात करें तो कितनी सीटें मानते हैं, कोई कह रहा 6 आएगी, कोई कह रहा 3 आएगी, अमित शाह ने भी इसी बार कहा है कि 1-2 सीटें कम हो सकती है बीजेपी की। ऐसा ही अमित शाह वगैरह मैंने बोला सब झूठ बोलते हैं, मैंने पहले बोला था अब भी बोल रहा हूँ, बीजेपी से ज्यादा सीटें राजस्थान में कांग्रेस की आएंगी और पूरे देश में आएंगी। अब तो 3 चरणों के चुनाव हो चुके, पूरे देश में कांग्रेस की सीटें इस बार बीजेपी से ज्यादा आएंगी। सट्टा बाजार कुछ और कह रहा है, सट्टा बाजार में अगर देखा जाएगी दौसा की सीट नहीं है 1-2 सीटों में। ये सट्टा बाजार वाले हमको ज्यादा पता है, सट्टा वाले ज्यादा पता है, ये तो मैं तो ये सुनता हूँ सट्टा वाले भी शायद मोदी जी के हिसाब चल रहे होंगे, जिस तरह गोडी मोदी है मीडिया इस तरह से सट्टा वाले चल रहे होंगे, ये पता लग जाएगा 4 तारीख को। लेकिन जो दौसा के जो बीजेपी के नेता हैं पूर्व विधायक रहे हैं संतला, उन्होंने कहा कि अमित शाह को गलत इन्फॉर्मेशन दी गई थी, 25-25 सीटें जीतेगी बीजेपी। शंकर यादव विद्वान होगा अमित शाह से, शंकर खुद गए पता नहीं, खुद गए मिलन चुनाव कह रहा था मैं जीत रहा हूँ 12-32 हजार से।
नहीं सर, एक चीज बताइए, आप इतने कॉन्फिडेंस हैं तो राजस्थान में ऐसी कौन सी सीटें हैं जिसपे कांग्रेस का पलड़ा भारी है या जीत सकती है? राजस्थान में मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ 8 सीट तो इंडिया गठबंधन की एकदम क्लियर है, 6 सीट बीजेपी की क्लियर है और 11 सीटों पर कंपटीशन है। अब देख सकते हो कि ज्यादा किसकी आएगी। 8 सीट में गिना सकता हूँ, भरतपुर हम जीत रहे हैं, दौसा हम जीत रहे हैं, जयपुर ग्रामीण हम जीत रहे हैं, सीकर हम जीत रहे हैं, झुंझुनू हम जीत रहे हैं, चूरू हम जीत रहे हैं, टोंक सवाईमाधोपुर हम जीत रहे हैं, डूंगरू बांसवाड़ा हम जीत रहे हैं, ऐसे 8-10 सीट तो क्लियर ही जीत रहे हैं। बाड़मेर हम जीत रहे हैं, नागौर जीत रहे हैं। दोनों चुनाव के देखते हैं, नागौर और बाड़मेर चुनाव किस तरह दिखते हैं? रविंद्र भाटी की एंट्री है बाड़मेर के चुनाव में, किस तरह देखते हैं? रविंद्र भाटी की एंट्री से बीजेपी को नुकसान होगा क्योंकि राजपूत वोट जाता बीजेपी जाता था, रविंद्र भाटी ले गए, कांग्रेस 2-2.5 लाख वोट से जीती। लेकिन सर एक चीज और बताऊँ, चुनाव खत्म हो गए हैं राजस्थान, दोनों चुनाव का संपन्न हो गए हैं, लेकिन दौसा में अभी भी पानी के आसपास राजनीति चल रही है, शंकरलाल शर्मा भी भाग रहे हैं पानी के लिए, आप भी मिलके आए हैं। ऐसा देखो, ये पानी का दौसा की 70 साल की समस्या है और 70 साल की समस्या ये शंकरलाल जी रही है। मैंने बोला बीजेपी वाले में बात नहीं करना चाहता क्योंकि सबने झूठ बोलते हैं। तीसर दा प्रोजेक्ट हमारी सरकार ने सैंक्शन किया था, वो हमारा प्रोजेक्ट बहुत तेजी से चल रहा है। अभी हमारे पूरे दौसा जिले के टेंट हो गए थे, मेन लाइन के टेंट हो गए, डैम का काम 90% पूरा हो गया। एक पैकेज था इसमें पैकेज नंबर 3, वो पैकेज नंबर 3 के टेंडर आचार संहिता से निरस्त हो गए। मैं भी चीफ सेक्रेटरी से मिला और पीएचडी सेक्रेटरी से समित शर्मा से मैंने बात करी थी, हमें चाहते कि जल्दी टेंडर हो जाए और तब तक टाइम पे व्यवस्था के लिए टैंकरों के माध्यम से अन्य माध्यम से व्यवस्था कर रहे हैं। मैं समझता हूँ 1.5 साल में 2 साल पानी आ जाएगा इस सुविधा। बिल्कुल, धन्यवाद बातचीत करने के लिए। तो ये थे मैन जिन्होंने कहा कि 8 सीटें तो लगभग हम जीत ही रहे हैं और ये साइन करने के लिए एक बार फिर तैयार हैं, संदीप मीणा दौसा राजस्थान तक।